गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। एज यू सीन इन द टाइटल, दिस वीडियो इज़ बेस्ड ऑन अ रिव्यू। एंड रिव्यू किरण की बुक का बहुत से कमेंट्स थे, लाइक कुछ कमेंट्स तो थे कि आप इस बुक का रिव्यू दो, कि ये बुक फॉलो करें या नहीं। कुछ एक कमेंट्स थे कि इट्स अ इररिलेवेंट बुक, लाइक ऐसा कुछ था। एंड जो मैंने इस बुक से रिलेटेड वीडियो डाली थी वो एक शॉर्ट वीडियो थी, जिसमें आई सेड कि मैं इस स्टडी स्टार्टिंग फॉर प्रिपेयरिंग फॉर हर प्रिपरेशन फॉर बैंक एग्जाम्स, ऐसा कुछ था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने कहा था कि इररिलेवेंट है, सो गाइज वाई आई गाइड माई सिस्टर रॉन्ग। ओके, सबसे पहले तो यही कि मैं अपनी सिस्टर को गाइड रॉन्ग क्यों करूँगी। ये बुक मैंने खुद ने जब स्टार्टिंग प्रिपरेशन की थी, मेरे सर ने मुझे लाइक एक जयपुर का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये रिकमेंड की थी, हर एक बच्चा यही पढ़ता है, तो मैंने वहाँ से ही इसे सुना था। एंड वन ऑफ माई कज़न ब्रदर, ही इज़ नाउ वर्किंग एज एन PO इन अ बैंक, उन्होंने भी इसी बुक को फॉलो किया था। ये बुक कब करनी कब है फॉलो, ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपना स्टार्टिंग अभी किया है, जिसका बेसिक अभी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, जब हम बेसिक लगाते हैं, क्लासेस शुरू करते हैं, क्या होता है कि हमारे पास बेसिक क्लास लग गई है, लेकिन हमारे पास बहुत से क्वेश्चंस नहीं है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये बुक उसी के लिए है। ठीक है, प्री के लेवल का प्रैक्टिस के लिए मैं कह सकती हूँ। ठीक है, मेंस के लिए आगे और बहुत बुक्स रह जाती हैं, कैट क्वांटम लेवल और आप पढ़ो, लेकिन बेसिक जिसका नहीं हो रहा है, प्री क्लियर नहीं हो रहा है, तो उनको मैं ये श्योर कहूँगी कि आपको ये बुक लेनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें मैं बता देती हूँ कि ये बुक हेल्पफुल क्यों है। देखिए, जैसे आपको दिख ही रही होगी ये बुक, ठीक है, अराउंड 1000 पेजेस इसमें हैं। अब देखिए, ये आपको पूरा चैप्टर्स है इसमें 22, एज आई सेड इन दिस बुक हैव 22 चैप्टर्स। ठीक है, अब देखिए, ये बुक सबसे पहले तो हमें एक ब्रीफ आइडिया देती है कि आपको कैसे कैसे चैप्टर्स को आगे परस्यू करना है। ठीक है, सेकंड थिंग, इस पे जो आपको क्रॉस लगे हुए दिख रहे होंगे, ये चैप्टर्स वो हैं जो मैंने अभी तक भी नहीं किए हैं, स्टिल आई मैनेज टू क्लियर ऑल माई प्री। ये मैंने क्यों नहीं किए हैं, जस्ट बिकॉज की परम्यूटेशन और मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, और जो बच्चा एक मैथ जिसने 5-6 साल छोड़ दिया होता है, उसके लिए करना बहुत डिफिकल्ट रहता है ये। सो इसी वजह से मेरा रीज़न ये था। हाँ, प्रोबेबिलिटी मुझे प्री लेवल तक की आती है, मेंस लेवल में लाइक DIs वगैरह पूछी जाती हैं, वो मैंने नहीं कर रखी हैं। अब देखो, इसे हमें करना कैसे है, इसमें जैसे आपको क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, ये बुक मैंने अब तक अपनी लाइफ लाइक प्रिपरेशन में 4 बार कवर कर लिया, मैंने 4 बार की है। करने का रीज़न क्यों है, क्योंकि ये हमें क्या करती है, हमारी स्पीड को एनहांस करती है। एक क्वेश्चन को आप पहली बार करेंगे, हो सकता है आपको उस क्वेश्चन को करने में 2 मिनट लगे, दूसरी बार करोगे उसी में आपको 1.5 मिनट लगेगा। ऐसे हमारी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है। हमें नए नए जो वेज होते हैं मैथ्स में सॉल्व करने के क्वेश्चन, वो खुद से मिलते हैं, ना कि किसी के बताए हुए। लाइक ठीक है, हम बहुत बड़े बड़े लाइक टीचर्स हैं यूट्यूब पर, आप जिनको फॉलो कर सकते हो, बट उनके बताए हुए जो मेथड्स हैं आपको एक टाइम लिमिट तक याद रहेंगे। मैं एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ, मैं जब एग्ज़ाम दे रही थी प्री लेवल का, मुझे याद है लास्ट ईयर एक मल्टीप्लीकेशन थी जिसमें मैं बार बार मन में कह रही थी 2 2 8, इनफैक्ट होता क्या है 2 2 4। उस टाइम प्रेशर लेवल इतना काम करता है, तो क्या किसी और का बताया हुआ फॉर्मूला हमें याद रहेगा, नहीं रहेगा। सो ये बुक उसी के लिए है, आप बार बार क्वेश्चंस करो, खुद के मेथड्स को डेवलप करो कि कैसे कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए मैं बता देती हूँ जो कैसे कैसे करना है। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, एवरेज, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जिनको आपको कहीं और से पढ़ने की नीड नहीं है, या आप खुद से करने की ट्राई करो, खुद के मेथड डेवलप करो, कैसे जल्दी कर सकते हो इन क्वेश्चन को। डेली 15-15, 20-20 क्वेश्चंस इन 4 चैप्टर्स के करो। रेशियो प्रोपोर्शन की आपकी पहले क्लास लगानी है, देन इसके क्वेश्चंस करने हैं। सेम एलिगेशन मिक्सचर, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, ये जो आपके 4 चैप्टर हैं ना, ये एक ही चैप्टर का पार्ट है। ठीक है, तो एक ये हो गया, 3 चैप्टर ही हो गए, 4 चैप्टर, देन टाइम एंड वर्क 5, टाइम एंड डिस्टेंस, ये एक ही चैप्टर है, 5 हो गई हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप यहाँ ऐड कर लीजिएगा, आप डेली के 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 14th इसको करना है, एंड देन हाँ ये करनी है, ये हो गए। उसके बाद इक्वेशन एंड इनक्वेशन, इसका पहले आप क्या कीजिएगा, क्लास लगाइएगा, देन यहाँ से आप कीजिएगा। इसके क्वेश्चंस आपको गिवन है, लाइक देखिए 238 क्वेश्चन है इसमें, इसमें 306, इसमें 205 क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत अच्छे मिल रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल के मिलेंगे आपको। एंड देन ये आपको लास्ट में दिए हैं, डाटा सफिशियंसी, डाटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज, नंबर सीरीज आपको साथ के साथ इनके साथ करनी है डेली 15-20। ठीक है, एंड मिसलिनियस, ठीक है, ये आपका बहुत लास्ट का पार्ट रहता है। जब आपके ये पार्ट कंप्लीट हो जाए ना, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th,
ट्वेल्थ, 13th चैप्टर और 17th चैप्टर। जब आपके इतने चैप्टर कंप्लीट हो जाएं, ये तो आपकी प्रैक्टिस साथ के साथ चल रही है, ये तो चाहे आप 4 बार 5 बार एक ही चैप्टर को बार बार करो, इतने से भी करके बार बार भी करोगे तब भी आपकी स्पीड एनहांस होगी। ये आपको बाद में उठानी है, ये जो डाटा सफिशेंसी और डाटा इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, ये इस बुक को करने की अप्रोच रहती है। और बुक सच में बहुत अच्छी है। देखो मुझे कोई प्रमोशन का ये नहीं है कि मुझे कोई पे कर रहा है या कुछ भी, मैं मेरी अपनी ओल्ड बुक भी इसमें दिखा सकती हूँ की हुई, अगर अभी मिलेगी ना देन मैं अभी आपको दिखा दूंगी। और ये बिल्कुल न्यू फ्रेश बुक है, आप देख सकते हो, ये मेरी सिस्टर ने अभी मंगवाई है, ये अभी मैं कर ही रही थी, मेरी सिस्टर ने मंगवाई थी तो मैंने अभी कंप्लीट की है इसको, तो सोचा एक बार आपको बता दूँ, बहुत से बच्चे पूछ रहे थे बस इसीलिए। ओके, बाकी स्टे ट्यून एंड गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।